पगला लक्का हर बार हमें पकड़ते समय एक ही चीज बोलता है, रुक जाओ, कोई पगला ही होगा कि इसके बोलने पर रुक जाएगा। क्या बोलते, मैं सही कह रहा हूँ ना भाई? थोड़ा दम भर लो। डब्लू, मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि लक्का का खाना मत चुराना, पर तुमने मेरे ये एक न मानी। और तुमको तो दाल पकवान बहुत ज्यादा ही पसंद है, मानोगे थोड़ी? भाई आगे चट्टान आने वाली है शायद। हाँ भाई, क्या करेंगे हम लोग, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे बोल भी दो डब्लू। ओ भाई देखो, आगे घाटी आ गई, देखो। रुक जाओ डब्लू। नीचे तो नहीं गिर गए? अरे बाप रे, ये तो बहुत नीचे है। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना था। ये नीचे अगर गए होंगे तो जरूर मर गए होंगे नीचे जाके। या मैंने गोलियां भी नहीं चलाई, ये अपने आप मर गए। अरे यार, आज तो भी बाल बाल बच गया। खैर, बाल तो बच ही जाते हैं। इतने ऊपर से गिरने के बाद तो मेरी सारी हड्डियां टूट जानी चाहिए थी। कभी कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम मेरे ऊपर गिरे थे नालायक। भाई अरे हम लोग है कहाँ? ओ तेरी भाई, हम लोग तो धरती के आखिर कोने पे हैं। और अपना सड़ा हुआ मुंह बंद ही रखो। अब सबसे बेहतर यही होगा कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जंगल में मिलेंगे। ठीक है। कोशिश करके देखते हैं। तुम तो एकदम ही पागल है, तुम कबाल में कितना खतरनाक हो सकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, बाद में तुम आ जाना। अपना ध्यान रखना भाई। ये क्या कर रहा है भाई? अरे मैं ठीक हूँ। अब ठीक तो हो ना? अब इससे शायद काम बन जाना चाहिए। और आपको थोड़ा आराम से काम करना चाहिए। अरे यार डब्लू, थोड़ा तो भरोसा रखो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। मैं ठीक हूँ। तो फिर तुम दोनों से आखिर सामना हो ही गया। ये आ गया लक्खा। या अभी तुम्हें नीचे के नीचे दफन कर देगा। चलो अभी अपने हाथ ऊपर कर लो। चलो अभी तुम लोगों ने हार तो मान ली होगी। अब यहाँ के रात के सन्नाटे में जब तुम अकेले बैठे रहोगे तब तुम्हें याद आएगी मेरी। बाप रे, ये तो बहुत ऊपर है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये लेकर आया हूँ साथ में। जय
ऐसा मत करो, मैं आप पर हंसा, उसकी माफी चाहता हूँ। हम कब आप कर रहे हैं, हम कब आप कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ठीक है, चलो अभी ऊपर जाते हैं। भाई जरा उसको देखो, ये सही में नाटक कर रहा है कि सुधर गया है भाई। चलो ऊपर। लगता तो ये है कि ये हमारी मदद चाहता है, शायद यहाँ से बच निकलने के लिए। यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है। मुझे इस टकले लखा की नीयत ठीक नहीं लगती, समझे? अगर इन्होंने कुछ भी चालाकी की तो पिछवाड़े में गोली मार दूंगा इनके, बंदूक और एक है मेरे पास। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी आओ, तैयार हो जाओ, जल्दी ऊपर चल जाओ। ऊपर ठीक है, फिर सबको ले जाऊंगा। ये चढ़ाओ ऊपर, ये पकड़ लिया। क्या बात है लखा, तूने कर दिखाया, चलो ऊपर। ए लखा बाजी, हमको भी तो खींचा ऊपर। मैं पागल हो गया मैं मोटे तुम लोगों को ले जाने के लिए? ये तो लखा एकदम चालाक है भाई, उसने हमारे साथ धोखा दिया है। क्या ये आदमी नहीं फटा हुआ पैजामा है? अरे मोटे, अबे तुम कहां लटक रहे हो, अबे रस्सी टूट जाएगी, अबे क्या कर रहे हो? डब्लू जल्दी करो, ऊपर जाने के बाद हम इस रस्सी को काटेंगे, इसके बाद आएगा असली बाजार। ये नहीं हो सकता, लखा के प्लान में ये दोनों ऊपर जाए, ये होने नहीं दूंगा, लखा ऊपर जाएगा इनसे पहले। चलो ठीक है। ये मोटे तेरी पूछ खींचता हूँ। ये ले छोड़ूंगा नहीं, मोटे वरना गोली मार दूंगा। ठीक है, पहले लखा जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर जाने के बाद नीचे से गोली चलाएगा। झूला नहीं है भैया, क्या कर रहा है? अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लगता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ए चकले लखा, छोड़ मेरी पूछ को, अबे हिला मत, मैं ऊपर आने दे मुझे भी। डब्लू फटाफट करो यार। अबे मोटर क्या कर रहे हो भाई, गोली मार दूंगा अगर हिला तू तो। क्या गोली भी खत्म हो गई? अबे ये कैसा बना चकले? भाई बच गए। भाई शुक्रिया भाई। लखा पाजी तो गया काम से, वो अभी भी वही फंसा हुआ होगा। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे टकले लखा, देरी रात में बहुत डर लगता है मुझे, छोड़ के क्यों गए? मेरे चिल्ले जा, अरे मेरे चिल्ले जा, कैसे ले गया?
इस बार तो तुम्हारा काम खत्म होगा समझ लो, इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। गोलियां खत्म हो गई, मैंने तो एक भी गोली नहीं चलाई, और गोलियां कैसे खत्म हो जाती है मेरी यार, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हेलो, लखा बोल रहा हूँ मैं, मुझे 10-12 हजार गोलियां भेज दो, और कम से कम 20-25 हजार बंदूकें भेज दो, क्योंकि गोलियां कम पड़ी तो चलेगा, लेकिन मुझे बंदूकों से लोगों को डरा रहा है यहाँ पे। हाँ, बहुत सारी बंदूकें भेजो। हाँ, 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 ये लो कैच करो। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया है। अरे चिंटू, आखिर बात क्या है? कि उस टकले लक्का ने हथियार मंगवाए और वो हमसे तो मार दिया। सच में उसने ढेर सारी बंदूकें मंगाई है, पता है क्या, उसने फोन करके पता नहीं वो क्या मंगवाया। कोई बात नहीं, अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि लक्का के पास गोलियां खत्म हो गई है, तो अब हम चल के उसकी पिटाई कर सकते हैं। तो इस बार जंगल में दिन में होगी दिवाली। नमस्ते टकले। मोटे भालू आ गए, खा के बच्चे। रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ मेरा निशाना। अबे बच्चों की तरह क्या चिढ़ा रहे हो बे? चलो ठीक है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये बटन दबा। ये क्या हो गया? तू डर मत, मेरे पास गोलियां आने वाली है, रुक जा तू थोड़ा, लेकिन तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे डरो मत, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा, तो तू गोली चलाएगा चकले, चला। अरे बाप रे, मोटे ने दो टुकड़े कर दिए। अरे क्या करूं, भागो, जाओ जाके पकड़ो उसे, जल्दी। किधर छुपू? तुम्हें क्या लगता है कहाँ गया होगा? भाई अभी बताओ उसे कहाँ खोजेंगे आप? मुझे तो लगता है कि वो यहीं कहीं पर है, हमें उसे हथियार लाने से रोकना होगा। सही कह रहे हो। गंदे मोटे भालू किधर भी ढूंढते हैं मुझे, मैं तो इन्हें मिलूंगा ही नहीं पूरे जंगल में। चलो मुझे कुछ ना कुछ करके मेरी बंदूक वापस लानी होगी, ताकि मैं इन्हें भूल सकूं। चलो आ गया मेरा माल। क्या बात है, क्या बात है, मेरे को फोन करने के बाद ही मेरा माल आ जाता है तुरंत के तुरंत। चलो निकालता हूँ। अरे मुझे कुछ भी करके पहले बंदूक निकालनी होगी, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। चला बंदूक के पास। अरे उस डब्बे में गोलियां और बम वगैरह है, हमें उसे ये सब लेने से रोकना होगा, जल्दी करो। अरे बाप रे, पहले बक्सा उठा लेता, भागो। अरे रुको, डब्लू देखो। भाई हमने उसे पकड़ ही लिया था कि वो भाग गया। जरा देखो तो, अभी भी एक डब्बा रखा हुआ है, पीछे देखो। ये क्या हो गया, मेरे पास तो गोली और बम है, लेकिन बंदूक तो उनके पास है, वो बक्सा मुझे चाहिए जिसके पास बंदूक है। आ खोलवाओ। वाह, ये तो कमाल है भाई, ये देखो कितनी अच्छी है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। वो तो है, और मैं ये वाली लूंगा। भाई एक मिनट रुको, ये देखो जरा, अगर हमारे पास में गोलियां ही नहीं तो हम लोग टकले लक्का से कैसे लड़ेंगे? बात तो तुमने पते की है, इसका मतलब है कि। अरे ये क्या हो गया, अभी क्या मेरे मुंह में बम डाल के मैं इनके ऊपर फेंकूं? कुछ ना कुछ तो करना होगा, मेरे हाथों से तो मैं गोलियां नहीं भूल सकता ना इनके ऊपर, बंदूक तो चाहिए होगी मुझे। क्या कर रहा हूँ मैं, अभी क्या करो? अब हमें क्या करना होगा? अच्छा भाई मेरी बात तो सुनो जरा, हम लोग टकले लक्का के पास जाके उसकी धुलाई कर दे, और फिर उसकी गोलियां छीन ले। ये तरकीब ठीक नहीं है, उसके पास गोलियां हैं, हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है,
हमारे पास बंदूक तो है लेकिन गोलियाँ नहीं है। हाँ सही कहा भाई, नो गोली। क्या करूँ? अरे बाप रे, नारियल फोड़ दिया मेरे खोपड़ी पे। अबे पगले, तुझे समझता है मैं लखा हूँ? लखा, बम फोड़ दूंगा तेरे ऊपर। उड़ा दे उसे। ये ठीक है, ये अरे बाप रे। क्या बात है भाई? अरे ये तो बिना गोलियों के मुझे मार रहे हैं। गोलियां मेरे पास है, ये मेरे ऊपर बम फोड़ रहे हैं। चलो ये हाथ गोले है मेरे पास, मैं ये बम उनके ऊपर फोड़ूंगा तब मुझे समझेगा कि लखा क्या चीज है। ये चलो ठीक है, ये ले। ये क्या है? अरे बम भागो। बॉल बॉल बच गए भाई। अगर वो ऐसा बम फोड़ता रहे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई। कुछ तो सोचो भाई। मेरे पास एक तरकीब है, हम उस तरकीब से काम बेटा, करेंगे। बेटा वो कोई सीताफल नहीं था, बम था। बम जा रहा है। ये ले एक और एक सीताफल। डब्लू ये अब तो उसकी अकल शिकारी आई होगी। अब तुम नहीं बचोगे ये लोग लेर का हमला। भाई ये टकला कर क्या रहा है? तुम लोग भागने बेटा। भाई इसने तो हमारी बुद्धि बजा दी। हम इस बंदूक का सहारा लेंगे बेटा। ठीक है ये लो, तुम नहीं बचोगे। अरे बाप रे, नाक पे मार दिया मोटे। अरे बाबू बिल्कुल सही, यहाँ के राजा सिर्फ हम हैं। अरे ये क्या पगले, मेरे बंदूक के साथ में बच्चों का खेल खेल रहे हो? तो ये अरे बाप रे, अरे बाप, अरे ये मोटा क्या मिलिट्री में था क्या? मशीन गन चला रहा है? अरे वाह छोटी मिसाइल। चलो ये फोड़ता हूँ इनके ऊपर। लखा तो लड़ाई के लिए तैयार हो? ये ले बेटा पीली मिसाइल, नीली मिसाइल। भाई ये देखो, नहीं उड़ जाओ मोटा, उड़ जाओ। हार गए तो सोने लग गए मोटो। लखा बाजी, अब ये क्या नाटक है? हम दोनों बच चुके हैं। अरे डब्लू डब्लू, उठो भाई उठो। गुड मॉर्निंग भाई, हम लोग बचेंगे कैसे? मोटे वो अभी भी सपने में ही है। मोटे ये हाथ में जितनी ताकत है तुम दोनों को उठा के फेंक सकता है ये लखा। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारे कब टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें बेच देगा ना लखा। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, उससे पंगा ले रहे थे। बहुत हो गया। चलो अभी है बम फोड़ने की बारी, कौन सा उठाओ? अरे बाप रे, बाटली वाला बम। ये तो बहुत गर्म लग रहा है अभी से, जब फूटेगा तो दोनों को चिथड़े चिथड़े उड़ा देगा। ये क्या है? कोई भी नहीं ऊपर। चलो ठीक है, ऊपर से गिर गया होगा। अरे बाप रे, कितना आराम मिल रहा है। वो टकला लखा तो हमें सर्कस में बेच देता था। चिंटू ने हमारी जान बचा ली। चलो अब घर चलते हैं और शहर चलते हैं।